हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन शिल्पास कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति स्पेशल गेम लेकर के आई हूँ। आप इस गेम को ऑफ कोर्स अपनी किटी में तो बहुत ही एंजॉय के संग खेलेंगे। उसके साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है या फैमिली का गेट टुगेदर है तो वहाँ पे भी आप इसे बहुत ही एंजॉय के संग खेलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस गेम को आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी है। आपको व्हाइट कलर का एक पेपर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक A4 शीट ली है एंड उसको जो है मैंने कट कर लिया है। एंड उसके संग आपको चाहिए ब्लैक कलर का स्केच पेन। आप ब्लैक के बदले कोई दूसरे कलर का भी ले सकते हैं, तो है ना बहुत ही लेस प्रिपरेशन। एंड फ्रेंड, ये 1 मिनट का गेम है। आप इसे चाहे तो ग्रुप गेम के तौर पर भी खेल सकते हैं एंड इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं। अगर आप ग्रुप गेम में खेल रहे हैं तो हर एक मेंबर को सबसे पहले आप पेपर दे दीजिए और एक स्केच पेन दे दीजिए। और अगर आप इंडिविजुअली खेल रहे हैं तो आप 1 बाय 1 करके मेंबर्स को बुलाएंगे एंड 1 मिनट का या हाफ मिनट का अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली गेम को खेलेंगे। अब फ्रेंड, मकर संक्रांति में तो काइट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम अपने इस गेम में काइट को ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो उस काइट को हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है, देन आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है एंड देन आपको ये बनानी है। तो दिस इज आवर फर्स्ट कंप्लीट काइट। अगर कोई मेंबर अगर गेम खेलने में हड़बड़ी में फ्रेंड अगर इस तरीके से अगर केवल ड्रॉ कर देते हैं तो ये कंप्लीट काइट नहीं मानी जाएगी। या अगर वो इस तरीके से भी बनाते हैं तो ये भी कंप्लीट काइट नहीं मानी जाएगी। हमारे गेम में हमें काइट को इस तरीके से बनाना है। हालांकि फ्रेंड ये काइट्स भी सही है, बट हम इस फॉर्मेट पर आज गेम खेलेंगे। तो आप ये चीज पहले अपने मेंबर को बता दें कि आपको काइट्स जो है वो इस तरीके से ही ड्रॉ करनी है। ये दोनों तरह की काइट्स अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो मानी नहीं जाएगी। तो आपको इसी तरीके की काइट ड्रॉ करनी है एंड इस काइट्स पर हमें कुछ लिखना है जो कि मैं आपको फ्रेश पेज में बताती हूँ। एंड उसके पॉइंट्स को हमें कैसे डिसाइड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेश पेज में, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमें इस गेम को कैसे खेलना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक फ्रेश पेज ले लिया है एंड यहाँ पे मेरा 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है, तो मैं काइट को बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब 1 मिनट में फ्रेंड्स मैक्सिमम जितनी काइट बना सकते हैं आपको उतनी बनानी है, बट आपको ध्यान में ये रखना है फ्रेंड कि आपके काइट बनाने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज आपकी वो काइट जो है वो काउंट नहीं होगी। तो आपको बस इसी चीज का खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ काइट्स बना ली हैं। अब जैसे मैं बोल रही थी कि काइट के अंदर में आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखना है हैप्पी मकर संक्रांति। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, HAPPY हैप्पी। तो इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन में मुझे मकर संक्रांति की काइट बनानी है। तो आप यहाँ पे काइट में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी काइट बनानी है या सेम साइज की काइट बनानी है, आप साइज कोई सी भी बना सकते हैं, बिग हो या स्मॉल हो या मीडियम हो, व्हाटएवर, बट उसकी फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपकी फॉर्मेट अगर सही अगर आप नहीं बनाते हैं तो वो काइट जो है वो आपकी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैं काइट को ड्रॉ कर लेती। यहाँ पे फ्रेंड आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ये हैप्पी मैंने एक बार में काइट ड्रॉ कर लिए, आप 1 काइट ड्रॉ कीजिए एंड उसके अंदर आप स्पेलिंग्स लिखते जाइए। तो ये दिस इज टोटली अप टू यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा टाइम अप होने वाला है तो मैं आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा टाइम हो गया है अप। तो फ्रेंड, यहाँ पे 1 मिनट में मैंने इतनी ही काइट बनाई है। तो अब सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि काइट के फॉर्मेट्स बिल्कुल सही है। अगर सही है तो वो ठीक है। देन आपको चेक करनी है स्पेलिंग्स, कहीं हड़बड़ी में ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स कि हमें स्पेलिंग पता होती है बट फिर भी हम कहीं ना कहीं रॉन्ग लिख देते हैं। तो हमें पहले स्पेलिंग भी चेक कर लेनी है। अगर स्पेलिंग भी सही है
तो देन हम उन काइट्स को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने हर एक काइट को सही बनाया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए कि मैंने एक काइट के फॉर्मेट्स को जो है वो नहीं बनाया है, तो ये मेरी काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर काउंट कर लेती हूँ। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पॉइंट्स होते हैं 11। तो इसी तरीके से आप गेम को खेलिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए। जब आप इस गेम को खेलेंगे तो हड़बड़ी हड़बड़ी में बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि कभी, जैसे मैंने यहाँ पे ये थ्रेड इसका बनाना भूल गई, तो वैसे बहुत से मेंबर्स भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो वो काइट उन्हें काउंट आपको नहीं करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान भी रखना है। एंड हड़बड़ी हड़बड़ी में कहीं ना कहीं स्पेलिंग की भी भूल हो जाती है, तो आप उन काइट को भी काउंट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से आप इस इंटरेस्टिंग गेम को खेलिए। आई होप आपको मेरा ये गेम बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आता है तो आप उसे डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।